पैसा निकल दिए कि नहीं? पता नहीं, मैंने रिसेंटली गिफ्ट किया था, धूप में कलर चेंज करता है उसको, फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। और ये रहा अपना हेलमेट, बहुत सही लग रहा है भाई मुझे ना, इसका एक्चुअली शेप बहुत पसंद है, इसका ना जो शेप है ना काफी ज्यादा एरोडायनामिक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये रहा अपना हेलमेट, ये कुछ ऐसा लग रहा है, आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। तो बॉक्सों से मतलब है, डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दिस हेलमेट, काफी ज्यादा लाइट वेट है, एरोडायनामिक शेप है, इसका वारंटी भी मिलती है, इसका कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो एक्सीडेंटल आपको रिकवर मिलेगा, जो अप टू 1 लाख रुपीज। अच्छे लुक्स के साथ में आपको ये हेलमेट मिल रहा है, ये ISI और डॉट सर्टिफाइड है, ये भी मेटालिक है तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी जो पैडिंग है रिमूवेबल है, वॉशेबल, इस प्राइस रेंज में काफी अच्छा हेलमेट है। ये कुछ ऐसी लुक आने वाली है हेलमेट की, आप चेक कर लो, फ्रंट से कुछ ऐसे दिखेगा और साइड से भी आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ। तो फिटिंग भी काफी ज्यादा सही मिली, वाइजर लगाते हो ना तो काफी ज्यादा नॉइज भी रिड्यूस हो जाता है, मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था इस हेलमेट से। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और आज है संडे, और आज ना एक्चुअली अपना पैकेज रिसीव हो रखा है। बाकी ये देखो अपनी शैतान को कैसे सो रही है यहाँ पे मस्त उल्टी होके, भाई इनको कुछ फिक्र नहीं है जिंदगी में, मस्त एंजॉय करना है, खाना है पीना है, सोना है, मौज उठानी है। और ये रही अपनी अम्मू मैडम। अरे अरे, आपको बता दूं मैंने मंगा रखा है एक न्यू हेलमेट, और वो मंगाया मैंने मेरे लिए, अभी आपको बताया कि मैंने रिसेंटली अम्मू को भी एक हेलमेट गिफ्ट किया था, तो सेम इनको नहीं पता उनको पता, तो मेरे पास ना एक्चुअली प्राइमरी हेलमेट दूसरा है, मेरा अपना खुद का एक हेलमेट है पहले से जो है एक्सोर का वेनमस, तो लेकिन ना एक्चुअली में वो हेलमेट का ना वेट थोड़ा ज्यादा है, वो अगर एकदम हाईवे राइड वगैरह करनी है ना तो मैं सोच रहा हूँ वो यूज करूंगा, मुझे सिटी के लिए ट्रैफिक के लिए एक ना लाइट वेट हेलमेट चाहिए था, इसलिए मैंने और एक हेलमेट मंगा लिया मेरे लिए और वो मुझे रिसीव हो गया है। और यहाँ पर शक्ल देखो मैडम की। तो भाई ये रहा वो हेलमेट मैंने मंगाया, वेगा का बोल्ट हेलमेट, और अमू के लिए भी हमने रिसेंटली, मतलब अमू को मैंने रिसेंटली गिफ्ट किया था, अमू वाला हेलमेट दिखा रहा ना तेरा वाला भी जाएगा नीचे देखना पैकेट से, क्या मतलब गाली से भाई। वेगा का गेम चेंजर जो ना धूप में कलर चेंज करता है, बहुत सही लगता है, बहुत प्यारा लगता है, इसका ग्राफिक भी बहुत मुझे अच्छा लगता है, अगर आप धूप में लेके जाओगे ना तो पिंक और पर्पलिश हो जाता है, बहुत प्यारा दिखता है ये हेलमेट। लेकिन हमने अपने लिए भी एक हेलमेट मंगा लिया है जो कि ऐसे लाइट वेट रहे, क्योंकि गाइस जो मेरा वाला हेलमेट है ना वो ऑलमोस्ट वेट करता है अराउंड 1700 ग्राम, और उसमें गोप्रो वगैरह जब ऐड हो जाता है अपना हो जाता है मोर देन 2 kg, ऑलमोस्ट 2 kg क्रॉस हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहा क्या कि थोड़ा लाइट वेट हेलमेट मंगा लिया। ये जो वेगा का हेलमेट है ना ये काफी ज्यादा लाइट वेट है, 1 kg अराउंड है, 1 kg 1200 ग्राम के अराउंड है, तो ये मुझे सही लगा था इसलिए मैंने ये मंगा लिया अपने लिए भी। इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, अभी तक ओके कोई बात नहीं, अभी देख लेना जितना भी पैसा है सारा का सारा पैसा निकाल जल्दी। पैसा निकलती है कि नहीं जल्दी बोल। फटाफट से करते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्स तो भाई हमें करने का मौका भी नहीं मिल रहा, हमसे पूछा भी नहीं जा रहा, डायरेक्ट चाकू वाकू लेके खुद ही अनबॉक्स करे जा रही है। तो क्या हुआ? मेरा हेलमेट तो मुझे अनबॉक्स करना चाहिए ना, लास्ट टाइम किया था तेरा हेलमेट एक्सपायर किया था ना। ओके तो इस बार भी मेरा मैं ही करना चाहिए ना, ये तेरा वाला तो तूने किया था ना। ओके बाय। एनीवेज गाइस अपना हेलमेट इसी बात में अनबॉक्स हो चुका है, आधा ही हुआ है। ये रहा अपना हेलमेट और इसका फर्स्ट लुक आपको चेक कराते हैं, अभी के लिए ये चेक कर लो कि अमू का हेलमेट कैसा लग रहा है। और ये रहा अपना हेलमेट, और ये वेगा का ना मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि ये लोग ना एक कैरी बैग दे देते हैं सिर्फ, जो प्रीमियम हेलमेट्स होते हैं ना वो हमेशा आपको ना बैग्स देते हैं जिन बैग्स के अंदर आप उनको कैरी भी कर सकते हो हेलमेट्स को, लेकिन ठीक है बजट के अकॉर्डिंगली सही है, काफी अच्छे बजट में आ जाता है, अराउंड 1700-1800 रुपीज में ये आ गया है, और ये वाला हमें आया था कुछ 2200 समथिंग कुछ ऐसे प्राइस में आया था, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ इसमें ग्राफिक्स वगैरह है ना और कलर भी चेंज करता है तो उसके वजह से उसका थोड़ा प्राइस ज्यादा था, और ये प्लेन है तो इसका प्राइस कम है। बाकी ये चेक करो भाई अपना हेलमेट, तो हमने मंगाया है ग्लॉसी ब्लैक में, ग्लॉसी प्लेन ब्लैक में। हाँ दोनों का वाइजर डिफरेंट है, ये वाला ट्रांसपेरेंट है, हमने अभी अपने लिए मंगाया हुआ है। और ये रहा अमू का हेलमेट, तो फाइनली मेरे लिए भी मेरे पास नया हेलमेट आ चुका है जो कि मैं यूज कर सकता हूँ, सीटी में कलर मंगाया होगा, और इसमें मैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या करने वाला हूँ आपको डेफिनेटली पता रहेगा। ये स्ट्रैप माउंट लेते हो ना तो आप कोई भी हेलमेट पे फटाफट से स्विच कर सकते हो, ये चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे स्ट्रैप माउंट की। अब मुझे खाली स्ट्रैप माउंट इंस्टॉल करना रहेगा अपने हेलमेट में, और लग जाएगा ये गोप्रो डायरेक्टली ऊपर, तो ये चीज बहुत सही लगी मुझे। और अभी अमू पहन के दिखा रही है कि कैसा लग रहा है ये हेलमेट अपना नया, अच्छा लग रहा है, करना तो इसको नीचे साइड दिखाना, साइड प्रोफाइल बहुत सही लग रहा है भाई मुझे ना, इसका एक्चुअली शेप बहुत पसंद है, इसका ना जो शेप है ना काफी ज्यादा एरोडायनामिक है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, और काफी ज्यादा ना ये AGV का ना रेप्लिका लगता है मुझे एकदम, मतलब थोड़ा लाइट कह सकते हो, तो इस पे मैं करने वाला हूँ भाई AGV की स्टिकरिंग। ग्राफिक के साथ अमू का हेलमेट कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये रहा अपना हेलमेट, ये कुछ ऐसा लग रहा है, आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना।
और देखो ये ना हर किसी का अलग अलग प्रेफरेंस होता है, किसी को ज्यादा ग्राफिक्स वाला अच्छा लगता है, किसी को प्लेन वाला अच्छा लगता है, तो अपनी अपनी चॉइस होती है। और मैं रेगुलर यूज के लिए लिया हूँ, सीडी यूज के लिए, इसलिए मैंने प्लेन प्रेफर किया। इसके साथ आपको ये यूजर मैनुअल मिल जाता है जिसके अंदर में हेलमेट की इन्फॉर्मेशन एंड ऑल है और कस्टमर केयर वगैरह सब कुछ है। तो ये चीज तो हम निकाल के हटा देंगे अभी साइड में। तो ये रहा अपना हेलमेट, सही लग रहा है मुझे तो, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताओ कमेंट करके आपको कैसा लग रहा है। हमारी बिल्लू को नया घर मिल गया, मतलब जब जब नए नए बॉक्स आते हैं ना घर में भाई, ये लोग टूट पड़ते हैं, इनको बॉक्सों से मतलब है, मतलब सेम ही शेल है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसमें जो है ना ग्राफिक का डिफरेंस। तो लेट्स गो गाइस, फटाफट चलते बाहर अपने और पे ना इसको दिखाता हूं कि कैसा दिख रहा है ये वाला हेलमेट। ओहो फाइनली भाई, ट्रांसपेरेंट है, नाइट राइड वगैरह के लिए, सिटी के लिए बहुत सही है ये। इसके लिए मैं और एक वाइजर ले लूंगा। मेन चीज ना आपको बता दो भाई, इन सब हेलमेट्स के ना वाइजर इतने सस्ते मिलते हैं ना, आपको बता नहीं सकता, 200-250 रुपए में इनके वाइजर मिल जाते हैं भाई। और वही अपना एक्सोर का अगर हम लोग वाइजर लेने जाएंगे ना तो 1500 रुपए का एक वाइजर मिलता है सिर्फ, लिटरली इतना एक्सपेंसिव ये पूरा हेलमेट आ जाएगा भाई और 200-300 रुपए ऐड करके। तो इसलिए मैंने ना एक सेकेंडरी हेलमेट ले लिया जो मैं रेगुलर यूज कर पाऊंगा, कहीं गिरता है कहीं स्क्रैच वैच लगता है तो उतना जान पे नहीं लगेगा जितना उस पे स्क्रैचेस वगैरह आती है ना तो लगता है। बाकी उस हेलमेट को भी मुझे व्रैप करना है तो कमेंट करके बताना आपको अगर आसपास में कोई भी अच्छा व्रैप करने वाला पता होगा तो, कल्याण, ठाणे, मुंबई, जहां पर भी आप बता देना, क्योंकि मैं बहुत ढूंढा, कल्याण में तो नहीं मिला और उल्लासनगर में भी नहीं मिला मुझे कोई भी शॉप जो अपने हेलमेट को व्रैप कर पाए अच्छे से। यहाँ से आप इसका वारंटी भी एक्टिवेट करा सकते हो, मतलब अभी मैं करा लूंगा पहली बात, तो उससे पहले क्या करता हूँ फटाफट से अपना GoPro सेटअप करा लेता हूँ। गाइस अगर कोई भी मेरा भाई हेलमेट लेना चाहता है उसका बजट थोड़ा कम है ना, तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दिस हेलमेट, क्योंकि ये काफी ज्यादा लाइट वेट है, एरोडायनामिक शेप है, इसका लुक्स काफी ज्यादा अच्छे है इसके, और साथ में ना इसके साथ में आपको वारंटी भी मिलती है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है फ्री में, मतलब अगर आपका कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो एक्सीडेंटल आपको रिकवर मिलेगा जो अप टू 1 लाख रुपीज है, तो बहुत सही है। ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, ये फायदा होता है किसी भी ब्रांड के पास जाने का, अगर आप नॉर्मल वही सड़क छाप हेलमेट ले लोगे 400-500 रुपए का तो बचाएगा तो नहीं, क्योंकि ये ISI सर्टिफाइड है, तो एक अच्छे सर्टिफिकेशन के साथ में एक अच्छे लुक्स के साथ में आपको ये हेलमेट मिल रहा है, और ये ISI और डॉट सर्टिफाइड है, इसी सर्टिफिकेशन इसमें नहीं आता जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, डॉट भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ही है, तो उस हिसाब से डॉट और आपको ISI दोनों सर्टिफिकेशन मिल रहे, तो काफी ज्यादा अच्छा हेलमेट है। इसमें देखो एयर वेंट्स भी है ऊपर जो आप देख सकते हो, ये दो इंटेक है और एक नीचे इंटेक है, आपको ज्यादा घुटन ना हो इसलिए, तो इससे ना वेंटिलेशन आपका अच्छा होते रहेगा। तो ये तीनों थे आपके इंटेक और ये रहा आपका आउटलेट, ये पीछे इसमें स्पॉइलर दिया हुआ है जो ज्यादा स्पोर्टी लुक देता है हेलमेट को, और यहाँ से पीछे आउटलेट है हवा पास होने के लिए, तो एयर का ना अच्छे से सर्कुलेशन होता रहेगा, एयर फ्लो होता रहेगा, वेंटिलेशन काफी अच्छा होता रहेगा, तो आपका ज्यादा घुटन नहीं होगी, ज्यादा पसीना नहीं आएगा सिर में, तो ट्रैफिक के लिए काफी ज्यादा लाइट वेट और वेंटिलेशन भी अच्छा है इसमें, तो बहुत अच्छा हेलमेट है, मतलब रेगुलर यूज करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि एक अच्छे ब्रांड के पास जाना, और आपका बजट अच्छा है ना तो डेफिनेटली गो फॉर एक्सोर, एमटी, SMK भी एक हेलमेट है जो काफी अच्छा है, मतलब ये 3-4 कंपनीज कुछ है जो काफी ज्यादा मार्केट में चलती भी है और उतनी ज्यादा अच्छी भी है, तो आई रिकमेंड यू कि अगर आपका बजट है अच्छा तो एक वो हेलमेट डेफिनेटली परचेस करना, लेकिन वो अगर हम प्रीमियम हेलमेट परचेस करते हैं ना तो हम लोग ना बहुत उसको संभाल के यूज करते हैं, बाइकर्स के लिए ना भाई उसका हेलमेट क्राउन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं वो हेलमेट को बहुत ज्यादा संभाल के यूज करते हैं, सिटी वगैरह ट्रैफिक में हम लोग अवॉइड करते हैं ताकि उसमें स्क्रैचेस ना आए, इसीलिए मैंने भी ये सेकेंडरी हेलमेट लिया है। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप वो ज्यादा नहीं यूज करना चाहते तो एक सेकेंडरी हेलमेट भी लेना, और वो भी कुछ अच्छे क्वालिटी का ही लेना, तो ये काफी ज्यादा अच्छे क्वालिटी का है, कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं है, बट डेफिनेटली अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है सिटी में, हम कितने की स्पीड में होते हैं, 50-60 मैक्सिमम या फिर 40 स्पीड में, तो उस स्पीड में तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इवन 80-100 किलोमीटर पे भी ये इफेक्टिव है, बचा लेगा आपको, और साथ में आपको ना इंश्योरेंस भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है, अप टू 1 लाख, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट इन केस अगर कभी आपका कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आप 1 लाख का आपको क्लेम मिल जाता है ISI की तरफ से जो ऑन बिहाफ ऑफ वेगा है, तो भाई सही है, काफी अच्छा हेलमेट लगा मुझे। अभी के लिए फटाफट से सेटअप करता हूँ, कुछ ज्यादा करना नहीं है मुझे, देखो खाली इसे माउंट करना है इसमें, और आपको बता दो इसमें ना भाई चिन कर्टन भी आता है, इतने कम प्राइस में आपको चिन कर्टन भी मिल रहा है हेलमेट में, स्पॉयलर भी मिल रहा है हेलमेट में, वाइजर भी इसके रिप्लेसेबल है, और मैकेनिज्म आप देख ही सकते हो क्विक रिलीज वाला ही है, तो खाली आपको एक बटन दबाना है और ये रिलीज हो जाएगा, तो बहुत इजी है इसका लॉकिंग मैकेनिज्म भी। जब तक मैं ब्लॉक कर रहा था अमू ने मेरा वारंटी भी एक्टिवेट कर दिया है, तो ना ऑलवेज रिमेम्बर एक चीज भूलना मत कि इसका जो वारंटी ना हमेशा एक्टिवेट कर लेना, प्रोडक्ट का वारंटी आप जैसे परचेस करते हो आपको खाली इनवॉइस वगैरह डालना रहेगा, कुछ बेसिक डिटेल्स डाल के आपका वारंटी एक्टिवेट हो जाएगा। सो सही है मेरा वारंटी भी एक्टिवेट हो चुका है, तो सही है मेरा वारंटी भी एक्टिवेट हो चुका है। बाकी गाइस इसमें क्विक रिलीज बकल आता है जो ट्रैफिक के हिसाब से बहुत सही है, और ये जो बकल है ये भी मेटालिक है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, टूटने वाला नहीं है आसानी से, सो ये भी एक सही चीज़ है ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली, मतलब सिटी यूज़ के अकॉर्डिंगली ये भी सही चीज़ है, और उसके अलावा इसकी जो पैडिंग है रिमूवेबल है, वॉशेबल है, तो वो भी सही चीज़ है, और इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा हेलमेट है ये, और साथ में ना इसमें नोज गार्ड भी आपको मिल रहा है,
मतलब ओवरऑल सही है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें खाली सनवाइजर नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज के किसी भी हेलमेट में आपको सनवाइजर नहीं मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस रेंज अराउंड 1700 से लेके 2000 रुपीज में बेस्ट हेलमेट मैं कहूँगा। ये रही स्कूटी भाई, यहाँ पर खड़ी है, मस्त एकदम कीचड़ कीचड़ हो रखी है। हाँ, और ये रही अपनी आरा। तो अभी फटाफट से हेलमेट डाल के दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है। पकड़ गाइस, अभी के लिए मैंने इस पे गोप्रो माउंट नहीं किया है, क्योंकि ना ऐसे फिर लुक्स आपको पता नहीं चलती। फटाफट इसको पहन के दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है। तो गाइस, कुछ ऐसी लुक आने वाली है हेलमेट की, आप चेक कर लो। फ्रंट से कुछ ऐसे दिखेगा और साइड से भी आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ। सही है भाई, मैंने तो एम साइज़ मंगाया था जो मुझे सही होता है। सो फिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा सही मिली हुई है और वेट भी बिल्कुल नहीं, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ पहना ही नहीं है। वरना अपना अगर एग्जॉर पहनता हो ना भाई, तो लिटरली नेक पेन होने लग जाती है 15 मिनट्स में, क्योंकि यहाँ के जो रोड है ना उन पर गड्ढे इतने ज़्यादा है ना। तो फटाफट ना अभी इसको राइड करूँगा, तो आपको राइड करने के बाद राइड रिव्यू बताऊँगा कि हेलमेट का फील कैसा आता है। थोड़े गड्ढे वड्ढे फील कर लो कि लोड फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद आपको बताऊँगा। देखो गाइस, बाइक के साथ में इसका लुक कैसा आ रहा है एक बार चेक कर लो। सामने इधर देखना, अच्छा लग रहा है, हंसी रुक नहीं रही है। गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे कल्याण वेस्ट में स्वप्निल के एक फ्रेंड से मिलने के, थोड़ा काम था इसलिए। तो अब जाते जाते स्वप्निल ने जो हेलमेट पहन रखा है भाई का काम, इसका हमारा राइड रिव्यू भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, और हम बता देंगे आपको कि इसका रिव्यू कैसा है। फाइनली आफ्टर राइडिंग फॉर 5 to 6 किलोमीटर्स, आई कैन रियली से दैट कि दिस हेलमेट इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल और काफ़ी लाइट वेट है ना। पहनने के बाद जब आप वाइजर लगाते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ भी रिड्यूस हो जाता है। मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था इस हेलमेट से, लेकिन पहनने के बाद पता चला कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। फिटिंग भी काफ़ी अच्छी मिल गई है मुझे, और काफ़ी लाइट वेट है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वेंटिलेशन भी ठीक ठाक है ट्रैफिक और सिटी के हिसाब से ना, आपको मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, उतनी गर्मी भी नहीं लगती आपको। और तो और ये लाइट वेट है ना, उसकी वजह से नेक पेन काफ़ी कम हो रहा है। डेफिनेटली अगर आप एक सुपर स्पोर्ट्स या फिर काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हेलमेट जो ज़्यादा सेफ्टी देते हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, उसके ऊपर से अगर आप इस हेलमेट पर जा रहे हो, तो आपको फील होगा कि वेट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, वेट काफ़ी ज़्यादा कम है, सेफ्टी भी है अच्छी खासी, और नॉइज़ भी काफ़ी अच्छा खासा रिड्यूस कर रहा है, बाहर के नॉइज़ से कटआउट कर देता है आपको। और पहनने के बाद ना जब चलाते हो तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा आता है। सो ओवरऑल अच्छा हेलमेट है, बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा हेलमेट है। अगर आपका ज़्यादा बजट है तो डेफिनेटली एक अच्छा हेलमेट के लिए जाना, और ये भी अच्छा हेलमेट है, लेकिन और भी इससे ज़्यादा काफ़ी अच्छा हेलमेट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस सेगमेंट ये भी हेलमेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सिटी के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए काफ़ी सही हेलमेट है। सो बस आज का काम जो था हमारा वो भी हो गया, यहाँ से निकल जाएंगे घर पे। इस ब्लॉग को कर रहे हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।